एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन ऑन इंडिया। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है 10 इनक्रेडिबल अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड हनुमान, और जो चैनल है उसका नाम है टेंस ऑफ इंडिया। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, तो ज़रूर इनके चैनल को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं कहता हूं कि किसी देर के बगैर जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान हनुमान सभी के फेवरेट हैं, और हालांकि हम में से काफी लोग इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम वास्तव में हमारे प्रिय बजरंगबली के बारे में नहीं जानते। हनुमान को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? इनकी और श्री राम की मुलाकात कैसे हुई? पंचमुखी हनुमान के पीछे क्या कहानी है? आइए जानते हैं ऐसे कई सवालों के जवाब। और अंत में एक बोनस फैक्ट भी है, तो बने रहिए टेंस ऑफ इंडिया की इस पेशकश के साथ। हनुमान के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन 16वीं सदी में लिखे गए भावार्थ रामायण के अनुसार, जब अंजना और केसरी पुत्र पाने के लिए शिवजी की पूजा कर रहे थे, उसी दौरान अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र कामा यज्ञ कर रहे थे। राजा दशरथ को पवित्र हलवा मिला जो उनकी पत्नियों में बांटा गया, जिसके सेवन से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उसी दौरान एक चील ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया और जंगल पर उड़ान भरने के दौरान गिरा दिया। हिंदू देवता वायु ने अंजना के हाथों में इस हलवे को पहुंचाया, जिसके खाने से हनुमान का जन्म हुआ। शायद इसीलिए हनुमान को अंजना, केसरी और वायु का पुत्र माना जाता है। हनुमान बचपन में शरारती थे और जंगलों में ऋषि मुनियों का सामान अस्त व्यस्त कर उन्हें परेशान करते थे। ये सोचकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि मुनियों ने उन्हें एक छोटा अभिशाप दिया कि वो अपनी क्षमताओं को याद करने में असमर्थ होंगे, और ये अभिशाप तब खत्म होगा जब कोई अन्य व्यक्ति उन्हें उनकी क्षमताओं के बारे में याद दिलाए। उन्हें किष्किंध कांड के अंत में अभिशाप से राहत मिलती है जब जंबवंत हनुमान को अपनी क्षमताओं की याद दिलाते हैं। बचपन में हनुमान सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे खाने निकल पड़े। राहु के समझाने पर हनुमान नहीं रुके। राहु ने देवों के राजा इंद्र से शिकायत की और इंद्रदेव को गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान पर वज्र फेंका जो उनके जबड़े पर लगा। हनुमान पृथ्वी पर गिरे और बेहोश हो गए। इससे क्रोधित होकर हनुमान के पिता वायुदेव धरती से गायब हो गए और अपने साथ हवा भी ले गए। धरती पर सभी को सांस लेने में तकलीफ होते देख इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। सभी देवों ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान पर कई वरदानों के आशीर्वाद किए। वरुण देव ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा पानी से संरक्षित रहेंगे। अग्नि ने आशीर्वाद दिया कि आग उन्हें कभी नहीं जला पाएगी। सूर्य ने उन्हें योग की दो सिद्धि अर्थात लघिमा और गरिमा दी। लघिमा के साथ वो सबसे छोटा रूप प्राप्त कर सकते थे और गरिमा के साथ वो सबसे बड़ा रूप प्राप्त कर सकते थे। वायु ने उन्हें अपने आप से अधिक गति का आशीर्वाद दिया। यमदेव ने उन्हें अपने यम दंड से मुक्त किया। ब्रह्मा ने हनुमान को वरदान दिया कि किसी भी युद्ध में कोई भी हथियार उन्हें मारने में सक्षम नहीं होगा। शिव से हनुमान ने दीर्घायु, ग्रंथ ज्ञान और समुद्र पार करने की क्षमता के वरदान प्राप्त किए। भगवान शिव ने एक कवच के साथ हनुमान की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। संस्कृत शब्द हनु का मतलब है जबड़ा और मान या मंत का मतलब है विकृत। इस प्रकार हनुमान नाम का अर्थ है एक विकृत जबड़ा। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ये नाम संस्कृत शब्द हान यानी मारे गए और मान मतलब गर्व से निकला है। इसका मतलब है जिसका गर्व नष्ट हो गया हो वो हनुमान। कुछ जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री हनुमान ने अपना बचपन हनुरा नाम के एक द्वीप पर बिताया था, इसलिए उनका नाम हनुमान है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण किष्किंध के मलय पहाड़ों पर आए थे। सुग्रीव और उनके भाई वाली के बीच युद्ध की स्थिति थी और सुग्रीव को लगा कि वाली ने इन लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजा था। सुग्रीव ने हनुमान को पता लगाने कहा कि वो लोग कौन हैं और वहाँ किस कारण आए हैं। हनुमान एक ब्राह्मण का भेष धारण कर उनसे मिलते हैं। राम ने वहाँ आने का उद्देश्य बताया और अपना और लक्ष्मण का परिचय भी दिया। हनुमान को पता चला कि जिन दो व्यक्तियों से वो बात कर रहे हैं
वो और कोई नहीं बल्कि उनके प्रिय श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। वो खुशी से फूले ना समाए, तुरंत ही वो अपने असली रूप में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। एक बार हनुमान ने सीता को सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने उनसे सिंदूर का उद्देश्य पूछा। तब सीता ने जवाब दिया कि ये भगवान राम के स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए था। तब हनुमान ने भी भगवान राम के लंबे जीवन के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसीलिए मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा का कलर केसरी होता है। लंका को नष्ट करने के बाद जब हनुमान लौट रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में स्नान करके खुद को ठंडा किया। जब वो ऐसा कर रहे थे तो एक मछली या मगरमच्छ ने हनुमान के शरीर से निकला हुआ कुछ पसीना निगल लिया और इस तरह मकर ध्वज की रचना हुई, जिन्हें हनुमान का बेटा माना जाता है। लंका युद्ध के दौरान रावण के भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं। उनको खोजते हुए हनुमान पाताल पहुंचते हैं, लेकिन द्वार पर उनके ही पुत्र मकर ध्वज का पहरा होता है, जिनसे लड़कर हनुमान को पाताल में प्रवेश मिल जाता है। हनुमान ने पता लगाया कि अहिरावण की जान पांच दिशाओं में रखे हुए दीपों में बसी हुई है और उनका वध करने के लिए इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाना जरूरी है। इसीलिए हनुमान ने पंचमुखा रूप धारण किया, वराहा, नरसिम्हा, गरुड़, हेयग्रीवा और हनुमान खुद। इस पंचमुखी रूप से हनुमान ने पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया और राम और लक्ष्मण को बचाया। अयोध्या का ताज पहनने के कुछ समय बाद श्री राम ने अपने सभी शुभचिंतकों को औपचारिक रूप से पुरस्कार देने का फैसला किया। सीता ने अपने गले से सुंदर हार निकालकर हनुमान को भेंट की। हार मिलते ही हनुमान उसमें लगे हर पत्थर को बारीकी से देखते हैं और उनमें राम और सीता का नाम तलाश करते हैं, क्योंकि अगर उनका नाम नहीं है तो हार उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इस पर कुछ लोग हनुमान का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि राम और सीता के लिए उनका सम्मान और प्रेम उतना गहरा नहीं हो सकता जितना हनुमान दिखा रहे हैं। जवाब में हनुमान अपनी छाती चीर के दिखाते हैं। राम और सीता को सचमुच हनुमान के दिल में देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और निष्ठा में विश्वास करने लगते हैं। संत तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे और हर शाम वाराणसी घाट के पास रामचरितमानस पढ़ते थे। बहुत लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इस समय के दौरान संत तुलसीदास को किसी से पता चला कि भगवान हनुमान खुद बदसूरत दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के भेष में उनको सुनने आते हैं। अगले दिन तुलसीदास हनुमान जी को पहचानने में सक्षम थे और शाम का सत्र खत्म होने के बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते हैं। हनुमान जी से मिलते ही तुलसीदास उनके पैरों में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखी थी। श्री हनुमान का वर्तमान संकट मोचन मंदिर उस जगह पर है जहां संत तुलसीदास को हनुमान के दर्शन हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अपने सुपर हीरो हनुमान के बारे में कुछ मजेदार कहानियाँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको ये तो वीडियो वॉच की और बाकी हमें भी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो हनुमान के बारे में पता चले। जैसे आप मतलब इंडियंस के जितने भी वो बड़े बड़े भगवान हैं, हर एक से उनको जो है वो वरदान मिला था। नहीं, वरदान कहते हैं मेरे वो उनको मिला था, मतलब जितनी भी उनकी अपनी क्वालिटी थी हर एक में से उनको एक एक ने जो है वो अपनी दी थी। बहुत कुछ मतलब सीखने को भी मिला और बहुत चीजें जानने को भी मिली, जैसे हम लोगों को भी इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता। तो मतलब इस टाइप की वीडियोस के बारे में रिएक्ट करने का मकसद यही है कि हम लोगों को भी थोड़ी नॉलेज मिले और ये कवे को इग्नोर करें, क्योंकि हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत शदीद ठंड है यहाँ पर, तो इसको आप लोगों ने टोटली इग्नोर करना है और धूप को भी इग्नोर करना है, क्योंकि ये धूप जो है ना सर्दियों में बहुत जरूरी है। खैर, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन सारी क्वालिटीज और सारे फैक्ट्स के बारे में जानकर, और मजीद और भी कोई ऐसी वीडियोस मिली तो हम लोग जानेंगे। मुझे सबसे ज्यादा वो भी बड़ी लगी कि जब वो कहते कि हनुमान की जो औलाद है, जब वो मतलब लड़ाई के उसमें से वो उनके पसीने और से वो जो खुद है भी, खुद भी तो ऐसे वो हलवा खा जो है वो चील जब लेके गई थी मदर के पास, तो उससे और ये मैंने जब मैंने इनकी ना पूरी एक मूवी एनिमेटेड मूवी है इनकी हनुमान, आई थिंक 2005 की है, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था, उसके भी पार्ट वन पे रिएक्ट किया, नेक्स्ट भी उनके ऊपर, मतलब वो टोटली पूरी है उनकी पूरी लाइफ के बारे में,
तो उसमें अभी मुझे ये मतलब ये जानने को मिला था कि वो बहुत ज्यादा छोटे जब थे बहुत नटखट शरारती थे, मतलब जैसे ऐसे ये तो हमने कार्टून्स भी आते हैं ना, हाँ, ये तो मूवी है मुझी। लेकिन बच्चों के कार्टून्स भी आते हैं, ये वही वाले है ना जिसमें वो कृष्णा है, अच्छा कृष्णा, हाँ, तो ये जो मतलब वो भी बहुत नटखट थे शरारती थे लेकिन ये भी बहुत ज्यादा थे। तो इस तरह से जैसे आम बच्चों की तरह जैसे सारे बच्चे शरारती होते हैं, तो कहते हैं ना बच्चे जब शरारत ना करें तो उनको बच्चा कौन के वो लगता नहीं है कि बच्चे हैं, तो इसी तरह से इनका भी बचपन ऐसे ही गुजरा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनको मतलब वो चीजें मिलती गई, कुछ उनको ऑलरेडी मिली हुई थी और कुछ जो है वो उनको बाकी सब देवताओं की तरफ से उनको मिलती गई। इसमें थोड़ा सा हमने बताया कि वो उनके फेस पे कोई चीज लगी थी, तो मेरे ख्याल से अभी तक इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छा लगा जानकर। मजीद जो है कुछ वीडियोस मिली तो हम लोग और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट में लाजमी बताएगा कि आपको आज का वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और बाकी सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से सारे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।